कोलकाता में जो है ट्रेनी डॉक्टर थी महिला, उनका रेप हुआ है, फिर कहें मर्डर या गैंग रेप कहें, तो इतने सारी विवादित जो है बातें आ रही है इसके बारे में। तो इसके बारे में हम भी अपना ओपिनियन रखने जा रहे हैं और इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर बात करते हैं आप सोसाइटी की, कल्चरल चीज़ों की आज के, तो मैं सबसे बड़ा जो है फेमिनिस्ट का जो है आज का सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट उसका विरोधी हूँ। टिकटॉक रील कल्चर का, या फिर जो मल्टीपल पार्टनरशिप, या फिर जो है फेक ये जो सिंपथी गेन करने वाली विक्टिम कार्ड, इन सब का मैं घोर विरोधी हूँ और इन सब चीज़ों से जो है मुझे बिल्कुल नफरत है। लेकिन बात अगर हमारे आत्मसम्मान की आती है, हमारे जो महिला की आती है, जो जिम्मेदार जो महिला वर्ग है, हमारी माता है, हमारी बहनें हैं, उनकी बात आती है ना, इन छपरी निब्बा निब्बियों को छोड़ दें, रील टिकटॉकर वालियों को, तो बात इनकी आती है ना, जो स्वाभिमान के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, 36-36 घंटे वो काम करती हैं, ऑपरेशन करती हैं, उसके बाद वो कुछ रेस्ट करने जाती है, तब उनके साथ ऐसा जो है घटना होता है, ऐसा उनके साथ जो है अत्याचार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके साथ रेप किया जाता है। और ये केवल एक मनुष्य या फिर एक इंसान के द्वारा किया गया हो ऐसा तो ये लगता ही नहीं है। लॉजिकली आप सोचेंगे, कोई भी महिला को एक पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, कितनी भी कमज़ोर महिला हो वो एक पुरुष के द्वारा इतनी घायल की जा सकती है, ऐसा जो है सच में नहीं हो सकता। ये जो है गैंग रेप कहीं ना कहीं लग रहा है, बहुत सारे सबूत, ऑटोप्सी रिपोर्ट देख लीजिए आप, जो है बाकी सब रिपोर्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस संकेत करते हैं गैंग रेप है। और बहुत सारे लोगों को इसमें जो है बचा लिया गया, छुपा लिया गया है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा में केवल एक आदमी आता है जिसका ब्लूटूथ जो है कनेक्ट कर जाता है, उसका मोबाइल जो है वहाँ के इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार को आप ले लीजिए, बंगाल के गवर्नमेंट ले लीजिए, फिर बंगाल के जो है वहाँ पे व्यवस्था जो किए गई थी हॉस्पिटल में, ये बिल्कुल ये घटिया साबित होती है। और इससे सिद्ध होता है कि ये जो है व्यवस्था किसी भी जो है महिला के लिए सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई महिला सुरक्षित नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट महिला, तो आप जो है आम चलती फिरती सड़कों महिलाओं का जो है उनको जो है कितना सुरक्षित आप करवा सकते हैं, बताइए। जो इतने सालों से या फिर जो इतने अनुभवी होते हुए वहाँ कार्य कर रही थी, अपने घर वालों को छोड़ के इतनी मेहनत कर रही थी, उनके साथ ऐसा होता है, जहाँ यहाँ के प्रिंसिपल को जो है तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, तो उसे जो है नए जगह पे जो है एडमिशन मिल जाता है, उसे ज्वाइनिंग मिल जाता है। तो सोचिए आप एक किस प्रकार का सेंस है, जो अभी अभी विवादित जगह से इसको निकाला गया हो, वहाँ पे उसका जो है पोस्टिंग तुरंत हो जाता है, तो क्या होता है, किस वो इशारा करता है, ये चीज़ कहाँ जा रहा है आखिर, आप ये समझ सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है, बोलते तो हैं कि सीबीआई को केस दे देंगे, लेकिन इन लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर ये सब हुआ था। तो सोचिए आप जो है, सोचिए समझिए, साजिश ही तो लग रही है, सब जो इशारे जो सबूत है, सब चीज़ें सिचुएशन जो बन रहा है वो एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि सोचिए समझिए साजिश है, ये बल्ड ब्लडेड मर्डर ही है। क्योंकि भाई इतनी जो षड्यंत्रकारी चीज़ें इतनी प्लानिंग के साथ कैसे हो सकती है, उस समय पे आना जिस समय कोई ना हो, और वो आदमी जो है खुद कबूल कर लेता है, उसके बारे में जो है बहुत सारे जो है क्राइम जो उसके बारे में हिस्ट्री उसके बारे में पहले से था, लेकिन बात यह है कि केवल एक के द्वारा किया गया हो और उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया हो, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं और कुछ बड़े बड़े जो है चेहरे हैं इसके पीछे, और ये लग ही रहा है और ऐसा हो भी सकता है। बाकी देखते हैं कि सरकार और कोर्ट क्या कर पाती है, फिर मुजरिमों को कुछ उखाड़ भी पाती कि नहीं पाती, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, कि जो सिद्ध हो चुके मुजरिम होते उनको भी सज़ा मिलने में जो है सालों साल लग जाता है, जैसे कि आप दिल्ली वाले केस को उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या प्रोग्रेस देखने को मिलता है। लेकिन देश की एक बेटी, एक इंडिपेंडेंट वुमेन तो चली गई ने भाई, मतलब उनके परिवार वालों के जो एक जो है गर्व की भावना थी, एक इंडिपेंडेंट स्वाभिमान महिला थी, वो तो चली गई ना, उनको कौन वापस देगा बताइए आप। अरे कोई एकाध केस नहीं है, होते जा रहे हैं बार बार। भारत को जो है रेपिस्ट कंट्री के नाम से, पुअर गरीब गार्बेज के नाम से जो है वेस्टर्न कंट्री वाले लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो है नारी का सम्मान है, जबकि सबसे ज़्यादा नारी का सम्मान के लिए हम ही जाने जाते हैं, हम सनातनी ही जाने जाते हैं कि घर की जो है जो महिला है वो लक्ष्मी होती है, देवी होती हैं। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा जाता है सनातन धर्म में, और यहीं ऐसा काम हो रहा है, तो सोचिए कितनी घटिया बात है। और यहाँ पे हम कैंडल मार्च कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और साथ ही साथ अभी बोले तो ये अब अगर ज़्यादा हो जाएगा बोलना होगा तो, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे एक हमारी बहन के साथ हुआ स्वतंत्र भारत देश में, लेकिन बांग्लादेश में तो जो है कई हिंदू महिलाओं के साथ, कई हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है खुलेआम, वहाँ की आर्मी के जो है दम पे वहाँ के लोगों के द्वारा मंदिर तोड़ा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ पे अब क्या कर सकते हैं आप बताइए, या तो सो कॉल्ड सेकुलर देश है, यहाँ भी इतनी बचा जा रहा है, वहाँ तो फिर उन लोग को क्या कह सकते हैं। और यहाँ पे इतनी सशक्त महिला 36-36 घंटे काम करके
थोड़ा रेस्ट करने के आती है उनके साथ जो है कोल्ड ब्लडेड जो है मर्डर कर दिया जाता है, उनका रेप कर दिया जाता है और इस प्रकार से उनके डेड बॉडी को नेकेड छोड़ दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी घटिया सोसाइटी में हम आज रह रहे हैं जहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और इनके परिवार वालों को उनका उनसे मिलने तक नहीं देगा, उनके लाश को देखने तक नहीं दिया गया। तो मतलब इतना घटिया सोसाइटी, इतना घटिया कल्चर में हम जी रहे हैं जहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों की जो है सुविधा के लिए कहे या फिर स्वार्थ के लिए कहे दूसरे की जीवन की जो है वैल्यू उसकी कीमत नहीं हो पा रही है, ऐसा हो जा रहा है। खिलवाड़ समझ के रखे हैं कुछ लोग जो है सोसाइटी के जो है सदस्य है, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन लोग को। तो इस प्रकार से जो है घटिया पॉलिटिक्स, घटिया राजनीति कहे या फिर जो है क्या बोले इस चीज़ को, माफियागिरी कहें क्या बोले, अपने आप में ही जो इस पर जो शब्द नहीं दे सकते हम, इतना घटिया चीज़ है ये, क्योंकि ये होता ही जा रहा है लगातार। और ये बंगाल गवर्नमेंट को लेकर ममता बनर्जी को लेकर बोला जा रहा है कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, लेकिन वो रिज़ाइन भी नहीं कर रही है। अब देखते हैं कि केस किस प्रकार से आगे प्रोग्रेस हो पाता है सीबीआई, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और से कमेंट्स करिएगा, अपने जो है व्यूज हमारे साथ साझा कीजिएगा। बाकी हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रयत्न अपने ओर से केवल जो दो चार लोगों को जो हमें देखते हैं उनसे हम यही कह सकते हैं कि हम आप भी इनके बारे में जो है आवाज़ उठाइए, आप भी जो है समर्थन दीजिए, सांत्वना दीजिए उनके परिवार को और आवाज़ अवश्य उठाइए कि आने वाले जो है समय है उसमें देश की बहन बेटियां आपकी और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके, देश का नाम आगे ले जा सके, अपने परिवार को जो है उनको भी गौरवान्वित अनुभव करा सके और अपना नाम जो है रोशन कर सके समाज में और भारत देश में और पूरी दुनिया में। तो हम ये केवल इतना ही कह सकते हैं, बाकी समाज में परिवर्तन छोटी छोटी चीज़ों से ही आता है, तो इसका शुरुआत हमें और आपको ही करना पड़ेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।